कि ये इसका ताल्लुक एंशिएंट हिस्ट्री के साथ है, यानी कि ये आज की दौर की नहीं है, कल की नहीं है, 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि मैंने एक जगह पर पढ़ा कि जो मलका सबा है, यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक्य शायद आपने पढ़ा हो कुरान मजीद में, तो ये तब का ही इस्तेमाल होता आ रहा है। वही विक्स वाला टेस्ट आ रहा है, ये विक्स ही है बेसिकली। आप बेसिकली टेम डाउन कर दें, बिल्कुल इसमें मैं थोड़ी सी स्मेल है। वेल ये बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं प्रीमियम ग्रेड है। नॉर्मली जो आपको मार्केट में मिलती हैं वो पीले रंग की होती हैं, येलोइश, लेकिन दिस वन जो मैंने देखा है इसकी तो मतलब कि टेस्ट इट लग ही नहीं रहा कि ये क्या कहते हैं, और वो फ्रेग्रेंस ही नहीं है जो इजीली एक्सेसिबल है, जो मैंने पहले जिसके टिंचर्स भी किए हैं, नो डाउट। और जो इससे ऊपर ग्रेड है वो कौन सा? सुल्तान ग्रेड है। सुल्तान ग्रेड, तो वो हमारे पास कब तक आएगा? डन हो गया। ये रॉयल ग्रीन हो जा रही है और इसकी जो स्पीशीज़ है इसको कहते हैं बोसवेला सकरा, जो कि सिर्फ ओमान में पाई जाती है। बोसवेला ट्री है, ठीक है, और बेसिकली इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ आती हैं जो ओमान में पाई जाती है, इसको बोसवेला सकरा कहते हैं। और बोसवेला सकरा से भी आगे कुछ कैटेगरीज हैं, उसमें अल नजद आता है, अल शाबी आता है, अल हुजारी आता है। जो अल हुजारी है वो टॉप ऑफ द लाइन, और फिर अल हुजारी में भी दो कैटेगरीज आती हैं, बल्कि तीन आती हैं, एक आता है ग्रीन हुजारी, एक आता है रॉयल ग्रीन हो जा रही, और एक आता है सुल्तान ग्रेड हो जा रही। जो सुल्तान ग्रेड है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, और वो यूँ समझ लीजिए कि साल में एक ही दफ़ा हार्वेस्ट होता है, वो लिटिल बिट ब्लू कलर का होता है, अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। अभी जो दानिश भाई के पास है वो रॉयल ग्रीन हो जा रही है, जो कि स्मेल वाइज अगर इसकी बात की जाए तो लिटल स्पाइसी है, स्वीट है, और बहुत ही प्यारी चीज़ है, आप इसको खा भी सकते हैं, एडिबल ग्रेड है, बल्कि मैंने खुद भी खाया है। और ये यूँ है जैसे आप बबल गम च्यू करते हैं, और इसका बर्निंग टाइम बहुत अच्छा है, बाकी सारी डिटेल्स जो है वो हम साथ साथ आपको बताते हैं। इट्स एडिबल, राइट? यस, इट्स एडिबल, आप खा सकते हैं। अच्छा, मैंने खुद खाया। यानी आप मेरे खाने के लिए लेके? ये मैं खाने के लिए, जलाने के लिए। बड़ी फ्रेश फ्रेशी सी, मतलब कि लुबान सेंसी स्मेल स्मेल होती है, लेकिन इसकी बड़ी फ्रेशी सा नोट। आप इसको खा के देखें जरा, कुछ छोटा पीस दिस वन, ये देखिए आप टैप करें। ऑलराइट, हाँ पूरा पीस खाएं, खाएं है, चू करें। इट्स लाइक होस्ट, राइट? होस्ट को आप बेसिकली टेम डाउन कर दें, बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ी सी स्मेल है, बिल्कुल। ये एक इब्ने आदम ने, आदम की औलाद ने भेजी है, और उसने कहा पहले ये खानी है और फिर जलानी है, सो पहले ये आई विल ट्राई। मैं सोचा था कि मुझे देगा खाने को, मैं खा सकूंगा कि नहीं खा सकूंगा। इट्स अ गुड वन। पर इसकी क्या फायदा है भाई, दिखाया जरा मुझे। ये बेसिकली तुम समझ लीजिए कि इसके फायदे तो बेतहाशा हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इसके फायदे जो मेन आए हैं वो ये कि कैंसर से, एक तो ये कैंसर का इलाज है इसमें, दूसरा ये जो जब आपके टेंशन होती है ना, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो ये उससे आपको दूर कर देता है, आपके डिप्रेशन को रिलीज़ करता है, और भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है की आप एक स्टोरी बता रहे थे कि ओमान में कैंसर रेट समथिंग लाइक है। हाँ जी, एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि 2011 की सर्वे रिपोर्ट थी कि ओमान के अंदर कैंसर का कोई हॉस्पिटल नहीं था, और कैंसर के पेशेंट्स की रेशियो भी कोई नहीं थी। एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन वो बंदा था जो खुद ओमान से बाहर रहता था,
ओमान में ये हर घर में जलाया जाता है, हर घर में और रोज़ाना। और बेसिकली अगर आप इसको जलाएंगे तो आपको उमून क्या होता है कि लोग समझते हैं यार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होगी, बेसिकली अगर आप इसको जलाओ तो आपको एक मेडिसिनल टाइप खुशबू आएगी, एक इंसेंसी टाइप की, एक थोड़ी सी मेथोलिक टाइप की। तो ये एक एज अ मेडिसिन इसको यूज़ किया जाता है और ओमान में इसका बेतहाशा यूज़ है, लोग खाते भी हैं पीते भी हैं इसको, भूल कर इसको जलाते भी हैं। तो ये इसके फ़ायदे ये है कि ये इसका ताल्लुक एंशिएंट हिस्ट्री के साथ है, यानी कि ये आज की दौर की नहीं है, कल की नहीं है, 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि मैंने एक जगह पर पढ़ा कि जो मलका सबा है यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक्य शायद आपने पढ़ा हो कुरान मजीद में, तो ये तब का ही इस्तेमाल होता आ रहा है। एक्चुअली जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका एक हर्बल या मेडिसिनल यूज़ लाजमी है, ठीक है। सपोज खस है, ये खाली लगाने में या पूजा में यूज़ नहीं होती। वेन यू हैव अ प्रॉपर इन्ग्रीडियंट्स लाइक आपके पास संदल का बुरादा, ऊद का यानी कि ऊद की लकड़ी का बुरादा, उनका पाउडर, संदल पाउडर, ऊद पाउडर, कपूर विलायती, इफ़ यू कैन गेट ओरिजिनल, फर्स्ट थिंग इफ़ यू कैन गेट ओरिजिनल, साथ उसमें आप ये जो खस वेटिवर रूट्स होती हैं वो ऐड कर लें, फिर गूगल हर्मल, और फिर ये वाली या इस टाइप की, इस टाइप की लोबान हो मर हो, ठीक है। उसके पास आपने जो कामयाब शादी कोर्स नहीं, आपने गुलाब की पत्तियां खुश्क की हों अंधेरे में रख के, अच्छा अंधेरे में रख, अंधेरे में रख के वो खुश्क की हों, और साथ सेफ्रॉन स्ट्रैंड्स हों, सही, ये एक प्रॉपर आप इसको जब आप वो मिक्स करके या प्रॉपर इसको बनाते हैं एज ए बहू, फिर आप इसमें ऐड करें प्योर संदल भी 10 ग्राम, फिर उसमें ऊद भी अगर हिंदी में मिल जाए तो वेल गुड, हिंदी ऊद ऐड कर लें, साथ खस ग्रीन इंडियन वेडिवर वो भी ऐड करें, ठीक है, फिर इसको ज़रा मैसेशन करें, देन इट विल बी अ परफेक्ट होम बहू, ये आप भी स्निफ करें, देखने वालों को भी थोड़ा सा, इट्स अ गुड वन नो डाउट। इसमें आप ऊद डालेंगे और गुड, या आई वांट टू ट्राई इट विद यू, या अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर ये चीज आम हो, इंजन चलाने की फ्यूमिगेशन की, बड़ा मजा आता है। असल में यार बात ये है कि ये जो फ्यूमिगेशन हो गया, ये परफ्यूम ही हो गई, ये रॉयल शॉट है, एग्जैक्टली, इसके हमारे पाकिस्तान के हालात कॉस्टली एंड रॉयल, जब ये इतने बेहतर हों